Hello students, good evening all of you. Okay, today in the Kshale our topic is equation of motion. Equation of motion. ठीक है, नाउ देखिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है, और एक इक्वेशन और होता है एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन. ये इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं. ठीक है, ये फोर इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें ड्राइव करेंगे इस टॉपिक में. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इसमें देखिए जो जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए हमने यूज़ किया है वी, तो वी को हम डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है. वी होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ए यहां यूज किया हमने, ए होता है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और एस एन एथ रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट इन एनथ सेकंड. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये जो जो हमने इन फॉर्मूलाज में, इन इक्वेशंस में जो जो टर्म हमने यूज किया है, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन ले लिया. नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है. ऐसे पार्टिकल ने टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वेलोसिटी कितनी है यू है, किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी कितनी है इसके पास वी है, और ड्यूरिंग मोशन इसके पास एक्सीलरेशन कितना है ए है. ड्यूरिंग मोशन इसके पास एक्सीलरेशन कितना है ए. नाउ और ये एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर रहे हैं, ये चारों इक्वेशन तभी वैलिड हैं इफ ए कांस्टेंट. अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो ये हम चारों इक्वेशन, देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू वी चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है. अब एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास, ए है. फाइनल वेलोसिटी देखो हमारे पास कितनी है, वी दे रखी है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, यू दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, फाइनल टाइम है टी, इनिशियल टाइम कितना था टी इक्वल टू जीरो. तो इक्वेशन देखो कैसे ड्राइव हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी वी माइनस यू, तो वी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वी इक्वल टू आ गया यू प्लस ए टी. वेक्टर लगाना चाहते हैं वेक्टर लगा लीजिए, तो वी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यू प्लस ए टी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी में देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हमने वी पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हमने यू पुट कर दिया, टाइम की जगह पे टी पुट कर दिया, टी इधर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वी माइनस यू बराबर ए टी आ गया, तो वी इक्वल टू क्या आ गया, यू प्लस ए टी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. That is second equation of motion. तो देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज
वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है हमें? एवरेज वेलोसिटी देता है। देखिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था? बी। ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था? एस था। यहाँ पे वेलोसिटी यू थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? वी। एक्सीलरेशन क्या था? और टाइम कितना लग गया था? यहाँ जीरो था टी इक्वल टू, और यहाँ पे टी इक्वल टू क्या था? टी था। अब देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी यू है, यहाँ पे वेलोसिटी वी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इन दोनों वेलोसिटीज का एवरेज ले लेंगे। अगर टू नंबर का हमें एवरेज लेना होता है तो क्या करते थे? यू प्लस वी डिवाइड बाई टू। यू पहला हो गया, वी दूसरा हो गया, तो यू प्लस वी डिवाइड बाई टू एवरेज हो गया इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। टाइम कितना लिया इसने? टी। तो हमारे पास वी प्लस यू इक्वल टू कितना आ गया? टू एस इंटू टी। क्लियर है? नाउ हमें पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे वी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वी की जगह पे ये जो वी है यहाँ पुट कर देंगे, तो यू प्लस कितना आ गया? ए टी प्लस यू इक्वल टू क्या उतना आ गया? टू टी, टू एस टी। नाउ सॉरी उल्टा हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है टी, तो यहाँ पे टाइम डिवाइड करेंगे। ओके देखिए यू प्लस यू कितना हो गया? टू यू प्लस ए टी इक्वल टू टू एस डिवाइड बाय टी। इधर मल्टीप्लाई कर दो टू से तो कितना हो जाएगा? टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू टू एस। तो एस इक्वल टू देखिए टू यू टी डिवाइड बाई टू कर दिया प्लस ए टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो टू से टू कट गया, तो क्या इक्वेशन आ गया हमारे पास? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके नाउ अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा? हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअल में है क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब इसको हमें ड्राइव करना है, क्लियर है? तो सारा एजम्पशंस यही है, तो इसके लिए फिर अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? वी प्लस यू डिवाइड बाई टू। बस यहाँ पे वेलोसिटी वी है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यू है, तो वी प्लस यू डिवाइड बाई टू एवरेज वेलोसिटी हो गया इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। टाइम कितना है? टी। ओके नाउ वी प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी इक्वल टू क्या आ गया? एस। अब देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला हमें पता है एक्सीलरेशन का वी माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे हम टी को लिख सकते हैं वी माइनस यू डिवाइड बाय ए। यहाँ पे टी पुट कर दीजिए, तो वी प्लस यू डिवाइड बाय टू इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाय ए इक्वल टू कितना हो गया? एस। तो क्या आ गया हमारे पास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए इक्वल टू क्या हो गया? एस। तो यहाँ से क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। टू ए को इधर भेज दिया, तो क्या आ गया इक्वेशन हमारे पास? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन हैं ये, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा हमारा। नाउ जो इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट इज एस एन। देखिए एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा t इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख दिया t इक्वल टू n, यहाँ पे आएगा t इक्वल टू वन सेकेंड, t इक्वल टू टू सेकेंड, ऐसे डैश 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 t इक्वल टू n माइनस वन सेकेंड। क्लियर है? नाउ
या आप एक और टाइम ले लो, यहाँ पे टी इक्वल टू थ्री, यहाँ पे ले लो टी इक्वल टू फोर, डैश 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 यहाँ पे लिख लो टी इक्वल टू एन माइनस वन, और उसके बाद क्या आ गया टी इक्वल टू एन। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एस एन, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, क्योंकि टी का वैल्यू कितना है, एन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। ओके, नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एस एन माइनस वन सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक एन माइनस वन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ से यहाँ तक एस एन का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एनथ का मतलब समझिए, अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकेंड का मतलब, या डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड का मतलब मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्थ सेकेंड का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करता हूँ थ्री सेकेंड में, तो थ्री सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको बोल देंगे एस थ्री, उसको बोल देंगे एस फोर। अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या हुआ, फोर्थ तीन से लेकर चार तक का डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड मुझे चाहिए, तो एस फोर में से क्या घटा दूंगा, मैं एस थ्री को घटा दूंगा, यानी चौथे सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से अगर मैं तीसरे सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट सेपरेट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट अगर मैं थर्ड सेकंड की बात कर रहा हूं, थ्री सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, थ्री सेकंड में अगर हम बात करेंगे, तो थ्री सेकंड का मतलब हो जाएगा जीरो से लेकर के थ्री सेकंड तक। अगर थर्ड सेकंड का हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड सेकंड का मतलब होता है टी इक्वल टू टू से लेकर के टी इक्वल टू थ्री सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। अगर थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, थ्री सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में से टू सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी एस थ्री में से क्या कर देंगे, एस टू सबट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर मुझे एनएथ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो देखिए अब यहां पे थर्ड लिखा, तो यहां देखो थर्ड लिखा, एनएथ चाहिए, तो देखो एस एन में से एस एन माइनस वन को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एनएथ सेकेंड। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन। इसका मतलब अगर एन सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से एन माइनस वन सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एनएथ सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला में पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब पुट टी इक्वल टू एन, इसमें हमने एक बार टी को क्या पुट कर दिया, एन पुट कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एन सेकेंड का आ जाएगा। कितना हो जाएगा, टी की जगह एन पुट करोगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्लियर है। नाउ पुट टी इक्वल टू एन माइनस वन, अगर हमने एन माइनस वन पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एस माइनस वन सेकेंड, तो यू टी की जगह क्या पुट कर देंगे, एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब एक इक्वेशन ये आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, अब हमें क्या चाहिए, एस एन एथ, एस एन एथ क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन। ओके, एस एन का वैल्यू रख देंगे, कितना होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या होगा ये, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, कितना हो जाएगा ये, यू एन माइनस, देखो यू एन माइनस यू प्लस हाफ, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, नाउ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए बाई टू इंटू क्या हो जाएगा ये, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, नाउ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ए बाई टू इंटू टू एन। अब देखिए जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं,
u1 से u1 कैंसिल आउट हो गया, an स्क्वायर बाय 2 से an स्क्वायर 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा u प्लस an माइनस a बाय 2। नाउ u प्लस a बाय 2 हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2n, यहाँ क्या बच गया माइनस 1, क्योंकि देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इन टू n क्या हो जाएगा an हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बाई टू, इसका मतलब इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसा, तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का देखिए मतलब ये होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब होता है ओनली 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, जैसे अगर मुझे निकालना हो और मुझसे पूछता फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, तो फोर्थ सेकंड के लिए s फोर्थ लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा u प्लस ए बाई टू इंटू एन की जगह हमें क्या पुट कर देना है, बस फोर पुट कर देना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड आ जाएगा हमारे पास u प्लस ए बाई टू इंटू एट माइनस वन, तो s फोर्थ आ जाएगा हमारे पास u प्लस कितना आ जाएगा सेवन ए बाई टू, ये डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड हो गया। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू इंटू फोर प्लस हाफ इंटू ए इंटू फोर का होल स्क्वायर, तो मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स, तो फोर्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें क्लियर हो गया, तो फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, फोर्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये लगाना है, मतलब जनरल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ nth उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का, है ना, तो ये क्यों अलग है इससे समझ में आ गया हमें, ओके क्लियर, नोट कर लीजिए इसमें। नाउ हम लिखते हैं इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी पार्टिकल को मान लो ऐसे हमने ड्रॉप कर दिया, ये नीचे आ गया, किसी पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका ये फिर नीचे आ गया, है ना, तो किस वजह से नीचे आ रहा है, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है जो ये नीचे आ रहा है, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी अर्थ, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगाता है, डाउनवर्ड लगाता है, इसलिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट से छोड़ते हैं वो अर्थ की तरफ आता है, नीचे से ऊपर फेंक के छोड़ते हैं फिर भी वो किधर आता है, अर्थ की तरफ ही आता है, तो उसको हर बार इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो मान लीजिए एक एम मास का ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, डाउनवर्ड वो लगता है एमजी लगता है, ठीक है, तो एफ नेट बराबर कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास कट गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया जी, ठीक है, तो ये जो जी है इसी को हम क्या बोलते हैं, जी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो नीचे आ रहा हो, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो ऊपर जा रहा हो उस पर हर वक्त एक क्या लग रहा होगा, उस पर हर एक टाइम पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होगा, चाहे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे कोई ऑब्जेक्ट नीचे आए उस पर अर्थ हमेशा फोर्स कैसा लगाएगी, डाउनवर्ड लगाएगी,
तो अगर अर्थ फोर्स उस पर डाउनवर्ड लगाएगी तो उस पर एक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जो हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमें समझना होगा। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन हम बना लेते हैं। देखिए, कोई भी वेक्टर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है और कोई भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कोई भी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में आइदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ये हम साइन कन्वेंशन बना रहे हैं, साइन कन्वेंशन जो हम पूरे फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। तो अगर कोई भी वेक्टर अपवर्ड में होगा, आइदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो उसका साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अगर कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आइदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो उसको हम क्या लेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है? इसका मतलब देखिए, चाहे पार्टिकल नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, उस पर हर वक्त जी कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इसका मतलब जी का वैल्यू हमेशा आप इक्वेशन में कैसा पुट करेंगे, जी का वैल्यू आप हमेशा इक्वेशन में नेगेटिव पुट करेंगे। क्लियर है? अब मान लो, अगर मान लो हमने इस पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप किया और ये ग्राउंड से टकराया, तो इस टाइम जो ये टकरा रहा होगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर हम किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो नीचे से जैसे ही हमने ऊपर फेंका, उस टाइम उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कोई भी वेक्टर आइदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो हमने बनाए थे अभी चार इक्वेशन, वो देखो कैसे बदल जाएंगे। एक हमने बनाया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक बनाया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक था s एन एथ बराबर u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में बस हमें रिप्लेस कर देना है a को किससे, माइनस g से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक ही जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस ए माइनस जी, तो टू जी एस और एस एन एथ बराबर यू, एक ही जगह पे क्या कर देंगे, माइनस जी, माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये चारों इक्वेशंस ऐसे बदल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक ही जगह पे बस हमें क्या पुट कर देना है, माइनस जी पुट कर देना है। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ केसेस होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला आप इसे नोट कर लें, देखिए केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। अगर हम एक बॉल को नीचे से ऊपर u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, और जहां से हमने स्टार्ट किया दोबारा उसको वहां तक पहुंचने में, उसी पोजीशन पर वापस आने में कितना टाइम लगता है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है। तो देखिए केस ऐसा है हमारा, ये बॉल है, इसको हमने कितनी स्पीड से फेंक दिया, यू स्पीड से। तो देखिए ग्राउंड से फेंका हमने इसको, तो देखिए इसका पाथ कैसा होगा। देखो ये वही वाला केस है, एक बॉल लिया हमने, इसको ऐसे फेंक दिया, तो क्या हुआ, ये ऐसे गया, यहाँ मोमेंटली रेस्ट पे आया और फिर ये नीचे आ गया वहीं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से जब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचा था तो उसको कितना टाइम लगा और कितनी हाइट उसने अटेंड करी है, और जब ये यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ से चला और यहाँ पर वापस आ गया तो उसको कितना टाइम लगा।
तो देखिए यहाँ से जब हमने फेंका तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये हवा में रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितनी देर तक वो हवा में रहता है उसको उसका क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट नीचे से ऊपर जाने का टाइम। तो देखिए कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और फिर घूम के ये ऐसे यहीं वापस आ जाएगा। तो देखिए जिस जितनी स्पीड से ये ऊपर गया था ना यू से, इस टाइम जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी स्पीड भी उतनी ही होगी। इसमें हमने सारे इफेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, जैसे एयर ड्रैग लगना वगैरह कुछ भी कंसीडर नहीं किया है। हमने इस पर सिर्फ ये माना है कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो अर्थ लगा रही है, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन जो उस पर लगने वाला है अर्थ की, वैसे वो कितना होगा जी। ओके, तो यहाँ तक ये बॉल गया, यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, जीरो होगी। तो यहाँ पर रुक गया, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता, इसका मतलब यही इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट। तो इसको हमने किससे डिनोट कर लिया, एच मैक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एच मैक्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। एच मैक्स क्या है स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। ओके, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं सी। देखिए ए और सी सेम पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा अलग बनाए ताकि हम इसको चीज़ों को और अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है। अब देखिए जहाँ से हमने इसको फेंका है वो पॉइंट क्या है, ए है, वेलोसिटी कितनी है यू है, हमें क्या चाहिए एच मैक्स चाहिए। तो देखिए हमें इसमें टाइम के बारे में तो पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है हमें एच मैक्स, इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है जी, डाउनवर्ड लग रहा होगा हमेशा, ठीक है, यहाँ भी जी क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, चाहे नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए उस पर जी हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाला इक्वेशन हमारे काम का है, यू स्क्वायर प्लस टू एस। यहाँ पे वी, वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, हम कहाँ देख रहे हैं, टेक मोशन फ्रॉम ए टू बी, कहाँ देख रहे हैं हम, ए टू बी तक का मोशन देख रहे हैं। तो वी स्क्वायर बराबर क्या लगा दिया हमने, यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो वी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू यू कितना है, यू दे रखा है हमने प्लस टू। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, एच मैक्स। तो हमने इसको एच मैक्स ले लिया, क्योंकि देखिए इनिशियल ये है फाइनल ये, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, कितना हो जाएगा एच मैक्स हो जाएगा। तो देखिए इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो टू जी एच मैक्स, वाह कितना आ गया, यू स्क्वायर आ गया। तो एच मैक्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर बाय टू जी के बराबर। दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। इसका मतलब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर एक पार्टिकल को हम यू स्पीड देकर के ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, यू स्क्वायर बाय टू जी, क्लियर है। ओके, नाउ हम ए से बी तक जाने का टाइम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ए से बी तक हम अभी क्या ले रहे हैं, मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक जाने के टाइम को हम कंसिडर कर लेते हैं टी ए। तो लिख लेंगे ये, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया है, इसका सेकंड पार्ट है टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, टाइम ऑफ एसेंट, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो टाइम के लिए हमें वो इक्वेशन देखना पड़ेगा जिसमें टाइम आ रहा है, वेलोसिटी देखो जीरो हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी में पता है। तो ऐसा एक ही इक्वेशन है जिसमें ये है, वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और टाइम ऑफ एसेंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, टी ए से रिप्रेजेंट किया, टी फॉर टाइम ए फॉर एसेंट। ओके, तो v कितना हो गया है फाइनल, v पे जीरो, u कितना है u, एक्सेलरेशन कितना लेंगे माइनस जी, और t की जगह पे कितना लेंगे टी ए। तो देखो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा जी टी ए बराबर कितना हो जाएगा u, तो टी ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया, u बाय जी के बराबर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ
अब हम चलते हैं, मोशन लेते हैं, टेक मोशन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। बी क्या बन जाएगा? इनिशियल, और सी क्या बन जाएगा? फाइनल। अब इसमें देखो हमें टाइम निकालना है, तो v इक्वल टू क्या लगेगा स्टूडेंट्स? u प्लस at। अब देखिए v फाइनल वेलोसिटी को कहां पे? c पे। c पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? डाउनवर्ड है, देखिए माइनस u इक्वल टू u कितना है? जब हमने वहां पे देखा था तो वहां पे b से जब हम नीचे आ रहा था तो वहां पे वेलोसिटी कितना था? जीरो। तो इनिशियल क्या माना हमने? बी, तो जीरो आ गया। एक ही जगह पे क्या लेंगे? माइनस जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी डी। तो क्या लिख लोगे इसमें? अगर इसका लिखना भी चाहें तो लिखेंगे हम इसमें टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी डी से। दैट इज टाइम टू कम, टाइम टू कम बैक फ्रॉम हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन से अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आने में जो उसको टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आने का टाइम निकाल रहे हैं। तो ये माइनस से माइनस सबट्रैक्ट हो गया, तो टी डी का वैल्यू किसके बराबर है फ्रेंड्स? यू बाय जी के बराबर। नाउ हम निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखते हैं? टी एफ। दैट इज टी एफ हो जाएगा ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय। तो यू बाय जी प्लस यू बाय जी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2u by g, this is time of flight, है ना? तो टी एफ बराबर कितना आ गया? 2u by g, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो इसमें हमने क्या निकाला? एच मैक्स निकाला, ऊपर जाने का टाइम निकाला, नीचे आने का टाइम निकाला, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। तो ध्यान रखिए ऐसे ऐसे केसेस में जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए टोटल जोड़ दिया 2u by g होगा। देखो 2u by g को हम एक और मेथड से ला सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आ सकता है ये, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मेथड नंबर टू। मेथड टू से कैसे लाएंगे? देखिए एक इक्वेशन हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देखिए जहां से चला था वहीं पहुंच गया, ए से चला था अब दोबारा ए वाले ही लेवल पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसके? इसमें जीरो हो गया। यू कितना है? यू यू है, टी टी एफ कर देंगे। एसिलेशन कितना पुट कर देंगे स्टूडेंट्स? माइनस जी इंटू टी एफ का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओगे, हाफ जी टी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू यू इंटू टी एफ। टी एफ से टी एफ कैंसिल हो गया एक, तो टी एफ का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स? टू यू बाय जी। इसका मतलब अगर पार्टिकल अपनी सेम पोजीशन पर दोबारा वापस आए, अगर हम उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, तो उसको टोटल आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? 2u by g। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये वो केस था जब हमने पार्टिकल को क्या किया था? नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया था u वेलोसिटी। तो हमने इसमें क्या निकाला? मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिया, है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सेकंड केस ले लेते हैं इसका। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच। अब हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, व्हेन अ बॉल is drop from height h। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक h हाइट से हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो देखिए जब भी ड्रॉप करते हैं हम, तो एक बात हमें याद रखना है कि
इफ अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो. व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब यू बराबर कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा. ठीक है, कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं इसको हम, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. तो स्टूडेंट हमें यह बताना है कि जब यह ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है, यह ग्राउंड है, जब यह ग्राउंड से टकराएगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, पहला केस. दूसरा केस है, इसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इसको पहुंचना कहाँ है, यहां पहुंचना है. इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं. तो ए क्या हो जाएगा इसका इनिशियल, और बी क्या हो जाएगा इसका फाइनल. तो इसको कहां से कहां तक पहुंचना है, ए से बी तक पहुंचना है. हमेशा डाउनवर्ड क्या लग रहा है, जी लग रहा है. ठीक है, तो अगर मुझे मान लो क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, हमें देखो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता है, एच एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है. तो एक इक्वेशन हम लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. अब देखिए ये ग्राउंड पर आया, और ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से टकराया, मान लेते हैं ग्राउंड पे टकराया है ये बी वेलोसिटी से. अब इस बी वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स वी इसका लिख दिया हमने, यू यू कितना था, जीरो प्लस टू. एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, माइनस जी. अब डाउनवर्ड है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, एच. तो डाउनवर्ड क्या मैंने पहले कंसीडर कर लिया था, क्या ले लेंगे, माइनस साइन के साथ पुट कर देंगे. तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, टू जी एच. तो बी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, अंडर रूट टू जी एच. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी भी बॉल को एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ग्राउंड पर टकराने, या ग्राउंड पर टकराएगा, वो वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी एच. क्लियर है, ओके. अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो टाइम क्या होगा. ठीक है, तो टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज कर देंगे, नाउ फॉर टाइम, ये क्या था, फॉर वेलोसिटी, या लिख लोगे द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. और ये क्या था, टाइम टू रीच द ग्राउंड. तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन यूज कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो देखिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस ऑफ एच इक्वल टू यू कितना है, जीरो. टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्या कर लो, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. तो देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टू उधर चला गया, टू एच जी नीचे आ गया, जी बराबर क्या हो गया, टी स्क्वायर. तो टी का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी. इसका मतलब अगर हम एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप करें तो ग्राउंड पे वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, अंडर रूट टू एच बाय जी. क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके. तो देखिए दोनों के समझ में आ गए, एक में हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका और एक में क्या कर रहे हैं, ऊपर से जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके, नोट कर लिया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. क्लियर है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, इस पर लगाइए ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो, और इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, आपको अपने आप इक्वेशन लगाना आ जाएगा. क्लियर है, ओके, थैंक यू.